इस वक्त सतह समुद्र से तकरीबन 10,000 फुट बुलंदी पर खूबसूरत सियाती मकाम ब्रह्मा मेडोज में मौजूद हूँ। यहाँ जिली इंतजामिया एक स्पोर्ट्स इवेंट इनकार करने जा रही है, जो सूबाई हुकूमत की अहकाम की रोशनी में ये इवेंट मुनक़िद होने जा रहा है। इस इवेंट में आइस हॉकी, आइस वॉलीबॉल और आइस रस्सीकशी के बड़े मुकाबले होंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भर से टीमें शिरकत करेंगी। इस इवेंट की खास बात यह है कि यहाँ पर फीमेल्स जो आइस हॉकी को पसंद करती हैं, इनके खिलाड़ी भी इस इवेंट में शरीक होंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के 30 से ज़ायद मुलाकातें पूरे एक साल के अंदर हुई, उसका जो समर है वो अभी यहाँ मिलने लगा है। डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया कि हम उनके साथ ये इवेंट को होस्ट करें, तो हम गुलकिन विंटर क्लब की तरफ से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आइस हॉकी मेल फीमेल, स्पीड स्केट मेल फीमेल और आइस पोलो यहाँ पे खेले जाएंगे। उसके अलावा सकाफती हमारे पास आइटम्स होंगे, तो जो भी हमारे गिलगित के आसपास के दोस्त हजरात हैं वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस खूबसूरत मौसम को। इर्द गिर्द अगर आप चेक करेंगे तो तकरीबन 2-3 फुट बर्फ है, तो काफी मजा आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के मिशन के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया ने उसको अमली जामा पहनाते हुए अस्तोर का जो खूबसूरत सियाती मकाम है ये रामा में जो यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद होने जा रहा है, यहाँ पे तैयारियाँ उरूज पे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर से बड़ी तादाद में सियाह यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ इजी एक्सेस है, यहाँ आके यहाँ का मौसम और इस इवेंट से जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। इससे पहले सरमाए सियात को फ़र्ग देने के लिए 3 से 4 इवेंट सूबाई हुकूमत के अहकाम की रोशनी में जिली इंतजामिया स्टोर ने इनकाद करा चुकी है। अभी ये इवेंट तकरीबन 4 से 5 फीट बर्फ इस वक्त स्टोर रामा में मौजूद है। इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के जो सरमाए सियात को पसंद करते हैं, इनको दावत आम दी जा रही है।